सम्मेलन में यूपी के विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण की जुबान फिसल गई है। वो ऐसी बात बोल गए जो अब बीजेपी की हर ओर किरकिरी करा रही है। इसी पर आधारित एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दीक्षित के बयान पर सियासी दंगल, गांधी का नाम राखी बदनाम, महान के नाम पर अपमान। यूपी विधानसभा अध्यक्ष और उन्नाव से विधायक हृदय नारायण दीक्षित बांगरमऊ में बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होने गए थे, लेकिन वहां पहुंचकर हृदय नारायण दीक्षित की जुबान फिसल गई और एक ऐसा बयान दे गए जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार एकदम से गर्म हो गया और हर ओर उनके बयान को लेकर थू-थू हो रही है। दरअसल अपने बयान में हृदय नारायण दीक्षित कह गए कि गांधी जी कपड़े कम पहनते थे, धोती ओढ़ लेते थे, गांधी जी को बापू कहा देश ने, कपड़े उतार देने से अगर कोई बड़ा बन जाता तो राखी सावंत महात्मा गांधी से बड़ी हो जाती। हृदय नारायण दीक्षित के इस बयान की हर ओर कड़ी निंदा हो रही है। हालांकि अपने इस बयान पर हृदय नारायण दीक्षित ने ट्वीट कर सफाई पेश की है। उन्होंने लिखा कि मित्रगण, मेरे इस भाषण को वास्तविक संदर्भ में ही ग्रहण करने की कृपा करें। विधानसभा अध्यक्ष के महात्मा गांधी को लेकर विवादित बयान की विपक्ष ने भी कड़ी निंदा की है और भारतीय जनता पार्टी को बापू के विचारों का विरोधी बताया। मुझे लगता है उम्र के इस पड़ाव में दीक्षित जी का यह बयान कुछ मामलों में तो उन्हें राखी सावंत जी से कुछ सुनने की इच्छा हुई होगी, या वो विभिन्न पार्टियों में जब थे तब ऐसे नहीं थे, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंगकर गांधी जी की जो अपमान करने की संस्कृति रही है उसे अपनाना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कोई गांधी की बुराई करके गोडसे बन सकता है, लेकिन गांधी की पैरों की धूली बनने में उसे सदियों लग जाएंगी। देश के माननीय विधानसभा के अध्यक्ष का जो बयान आया है वो बहुत ही निंदनीय है। उनका बयान दर्शाता है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी बापू के विचारों के खिलाफ है, उनकी सोच के खिलाफ है। और जो बात उन्होंने राखी सावंत की कही है, इससे ये दर्शाता है कि वो अब देश की बेटियों का चरित्र कपड़ों से तय कर रहे हैं। और ये सिर्फ राखी सावंत का अपमान नहीं है, ये उन बेटियों का भी अपमान है जो देश के लिए ओलंपिक से मेडल लेके आई हैं, जो क्रिकेट खेल रही हैं, जो सेना में हैं, जो फिल्मी जगत में काम करके देश का नाम दुनिया के सामने रोशन कर रही हैं। सियासत में एक बयान माहौल को गर्म कर देता है। हृदय नारायण दीक्षित बीजेपी के सीनियर स्पीकर हैं, ऐसे में उनका इस तरह का विवादित बयान बीजेपी को परेशानी दे गया और विपक्ष को मौका। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। ईडी की टीम